सो यू ऑल्सो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी हो चुके है शाम, तो मैं सोच रहा था थोड़ा राइड वगैरह पे निकल जाते हैं, बिकॉज अभी सूरज डूबने वाला है एंड क्वालिटी वगैरह भी मस्त आएगी एंड हवा भी चल रही है। सुबह से यार लिटरली इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, कोई शूट करने का मन ही नहीं करा। एंड ये चेक करें, पूरे राइडिंग बूट्स एंड गियर्स वगैरह मैंने पहन चुके हैं। तो यहाँ से यार जल्दी जल्दी निकलते हैं। एंड यार जो मेरे बाइक की डिलीवरी का ब्लॉग था ना, वो यार बहुत से बंदों ने देखा नहीं है, तो मेक श्योर यार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मेक श्योर जल्दी से देख लेना यार, बिकॉज उसमें यार व्यूज़ जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए। तो मेक श्योर यार ज़रूर से देख। बाइक को लगा देते हैं कोल्ड स्टार्ट के लिए, बिकॉज सुबह से स्टार्ट नहीं हो रखी एंड सुबह से स्टार्ट नहीं हुई है। एंड ये चेक करें, इसका टेम्परेचर का एक डंडा तब भी आ रखा है। गर्मी इतनी है यार, अंदर रखी थी जबकि अंदर रखे रहते इतने कोल्ड टेम्परेचर में, बट तब भी इसको देख रहे हो एक डंडा आ रखा है। सो या गाइस अभी निकलते हैं यार अंदर से। भाई सुबह से इतनी गर्मी हो रही थी ना, लिटरली मन ही नहीं कर रहा था। एंड अब मैं पता है बिना राइडिंग गियर्स के बाइक बाहर निकाल ही नहीं रहा, बिकॉज अब अपन को जो भी काम करना है सब प्रोफेशनली करना है, तो राइडिंग गियर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस। मतलब कोई सी भी बाइक लो यार, अगर आप इतनी महंगी बाइक ले सकते हो ना, तो यार छोटे मोटे राइडिंग गियर्स आप भी ले सकते हो। बट ये है जिस जिसके बजट में है यार ले लो, अगर आप बाइक ले सकते हो तो आपके लिए ये कुछ नहीं है भाई लेना। ओ सो सॉरी यार, मैं अपने ग्लव्स पहनना भूल गया था यार, मेरे को याद थी, बट चलो कोई नहीं, ग्लव्स में भी थोड़ा पसीना वगैरह हो ही जाता है। भाई अभी इतना सुकून मिल रहा है ना यार सुबह से, मतलब सुबह से यार ये इस मौसम के लिए मैं तरस जाता हूँ भाई, ऐसा मौसम मिले करके। सुबह से इतनी गर्मी हो रही थी ना, एक बार फिर अमदारा का राउंड मार के आते हैं, देखते क्या हो रहा है यार। पता है आज मेरा प्लान था ना, आज मैं अल्मोड़ा जाऊँगा करके, पहले मैं सोच रहा था बाइक से जाऊँगा करके, बट मम्मी ने मना कर दिया था बाइक से जाने के लिए एंड कार वगैरह से भी जाने के लिए। मम्मी कह रही थी बस में चले जाओ, भाई को ड्रॉप करना था ना उधर पे पहाड़ में। बट और हमें ये चीज़ भी नहीं पता था ना कि कैंची धाम में ना मेला लगने वाला है, तो सारी बसेस ना वहाँ से मतलब बंद ही हो रखी हैं। एंड हमने इतना ज़्यादा वेट करा ना, पता है लिटरली हमने 2 घंटा जैसा पिरमदारा में वेट करा कि बस आएगी आएगी, मतलब हर रोज़ आती है, बट उस समय आई नहीं यार। फिर 10 बजे तक हम रुके रहे, हम 8:30 से निकले थे, लगभग 10:30 तक हम रुके रहे, फिर बस नहीं आई, तो यार हार मान के हम घर ही आ गए। इतनी धूप में लिटरली खड़े थे ना यार, क्या बताऊँ मैं। एंड सनसेट देख रहे हो कितना प्यारा आ रहा है यार। चलो कोई चक्कर नहीं, जल्दी जल्दी निकलते हैं। अगर राइडिंग गियर्स पहनोगे ना, पता मुझे इतने रिएक्शन मिल जाता है ना, मतलब कि हाँ कहते हैं यार, मतलब लोग भी कहते हैं कि भाई बंदा सही से चल रहा है। एंड कोई भी देखो फालतू रैप वगैरह मत ही करो, ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज देखो पब्लिक रिएक्शन के लिए, मतलब पहले से हम भी करते थे यार, हमें लगता था बड़ा कूल लगते होंगे यार जब हम ये खाली रैप वगैरह करते होंगे। आए उसमें कुछ ये नहीं है, खाली लोगों की गालियाँ पड़ती है, तो यार तुम्हारे पे चाहे सुपर बाइक हो या चाहे कुछ भी बाइक हो, रैम मत ही करो यार। एग्जॉस्ट लगा रहे हो ना, एक ऐसा एग्जॉस्ट लगाओ जो लोगों की कानों को भी ना छुए एंड हल्का बहुत लाउड भी हो, एकदम स्मूथ जैसा, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी जो इतने यार फर्जी से एग्जॉस्ट लगा देते हैं यार, क्या कहूँ मैं उनका, मतलब खाली बेकार में बाइक की भी उससे रेट मिलती है। या तो अगर ना तुम फुल सिस्टम एग्जॉस्ट करा रहे हो, एसी और रिमैपिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइज, क्योंकि देखो एसी रिमैपिंग में ये होता है ना, जो तुम्हारा मतलब एयर फ्लो रहता है ना एग्जॉस्ट का एसी रिमैपिंग से, क्योंकि जब वो एक एग्जॉस्ट आपने लगा रखा है, मतलब जो हाई परफॉर्मेंस दे रहा है एंड मतलब ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो हवा भी ज़्यादा ही छोड़ रहा होगा, तो इनटेक प्लस आउटटेक दोनों देखना पड़ता है उसका, तब जाके सही रहता है। मतलब यहाँ पर जितने भी बंदे घूमते हैं ना फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा के, भाई कोई भी बंदा है वो नहीं देखता, खाली बेकार में लोग गालियाँ देते हैं और कुछ नहीं। बाकी नॉर्मल भी अगर सुपर बाइक में चलोगे ना, देखो रिएक्शन आएंगे, जितना तुम स्लो चलोगे ना रिएक्शन आते ही हैं, चाहे कुछ भी कहो। सो लेट्स गो यार, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं खाली मेरे को जहाँ पर घूमने का मन कर रहा है मैं खाली ऐसे ही चल दे रहा हूँ, बाकी हर्षिल भी घर है नहीं, वरना मैं हर्षिल के घर चले जाता। चलो कोई चक्कर नहीं, चलो यार इतना वेट ऐसे कराएंगे ना। भाई भाई ट्रैफिक तो कुछ कदर हो रहा है यार शाम के समय, क्या बोलते हो थोड़ी बहुत रैश राइडिंग करें? भाई मेरे लिए कुछ नहीं है ट्रैफिक, यहाँ से तो ऐसे निकलेंगे हम, कुछ नहीं पता चलेगा।
संभाल ले थोड़ी है कुछ भाई। ये ट्रैफिक में ना पता है रैश राइडिंग करने में मज़े आते हैं, बट देखो अपनी वजह से ना किसी और दूसरे को नुकसान मत पहुंचाना। देखो तुम्हें लग रही है ठीक, तुम्हें भी नहीं लगनी चाहिए वैसे, बाकी अगर तुम रैश राइडिंग कर रहे हो तो। बाकी देखो तुम्हारी वजह से किसी दूसरे को हम ना हो यही कोशिश करना। बाकी देखो इस ज़्यादा इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग तो हो नहीं रहा अभी। आई नो मैं खाली जैसे घूम रहा, मेरा घूमने का मन था तो मैं सोचा थोड़ा बहुत ब्लॉग भी शूट कर ही लेता हूँ, तो ब्लॉग भी शूट कर ही रहा था यार। हर्षिल घर में नहीं है वरना अभी हर्षिल के घर की तरफ को मुड़ जाता। चलो कोई चक्कर नहीं। बाकी गाइस यार अब मैं जो यू टर्न है ना, यू टर्न में मैं बहुत ज़्यादा संभल के ले रहा हूँ, मैं आराम से रोक के पता है अब एकदम से यार उस समय जो चीज़ हो गई थी उसको दोहराना नहीं है, अपना आराम आराम से चल रहा हूँ, ज़्यादा कोई सीन नहीं है। यहाँ देख रहे हो भाई पूरे रिएक्शन ही रिएक्शन आ रहे हैं पता उसमें। बाकी देख रहे हो पूरे टेम्पो मतलब भर के जा रहा है, उसके पूरे रिएक्शन वगैरह नोट हो रहे हैं। मैं इसी के पीछे चलता हूँ भाई, थंबनेल बढ़िया आएगा। बंदे देखते हैं ना मतलब अगर आप प्रॉपर राइडिंग गियर से साथ चल रहे हो एंड बाइक भी बढ़िया बढ़िया है ना आप पे, लोग देखते हैं यार, लोगों को अच्छा लगता है देखना। एंड बहुत से लोगों की यार ड्रीम बाइक भी है ड्यूक 390। मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा, देखो थोड़ी बहुत कॉमन तो हो चुकी है ड्यूक 390 आज की डेट में, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे ले भी नहीं सकते ना, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो कैसे कैसे करके ले रहे हैं, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, जिनका कुछ काम भी नहीं है तब भी वो ले रहे हैं, तो यार क्या कह सकते हैं हम। Let's go. तो वही चीज़ है मतलब जो बंदों का ना काम है, मेरा तो ये देखो मेरा ये मानना है कि जिस बंदे का काम होता है वो ले तो ज़्यादा बेटर है, बाकी खाली अगर तुम शो ऑफ वगैरह के ले ले हो, देखो शौक भी एक चीज़ होती है। हाँ अगर आपको शौक है एंड आप ले रहे हो तो भाई वो चीज़ सही है, बट इनमें ओवर स्पीडिंग मत ही करो। देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई खाली रोड है तुम भाई तुम्हारे पे 1000 cc की बाइक पड़ी है तुम उसको मतलब चला ही नहीं रहे 60-70 कर रहे हो, ऐसा तो नहीं। मुझे पता है 1000 cc की बाइक होगी आपके खींचने का मन करेगा आप खींचो, बट जहाँ खींचनी चाहिए। कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रहा हूँ यार मैं, जबकि इनमें से बहुत सी चीज़ें मैं खुद ही फॉलो नहीं करता। चलो कोई चक्कर नहीं, बाकी निकलते हैं यार जल्दी जल्दी। मैं सोचा थोड़ा बहुत राइड वगैरह भी करके आ जाते हैं, बिकॉज बहुत टाइम से यार इधर पे मेरी बाइक ना पता घूमी नहीं है बहुत टाइम से। एंड थोड़ा पिरमदारा के अंदर की गलियों में भी जाते हैं यार, बहुत समय से गलियों में भी नहीं घूमे, तो लेट्स गो भाई। मुझे ना अपनी बाइक यार इतनी पसंद है भाई, इतनी पसंद है ना मैं क्या बताऊँ। चाहे मेरे को तुम इसके बदले ना ZX10R भी दे देगा ना, मेरे को मैं नहीं लूँगा। देखो सिंपल बात, अगर मैं खुद की कमाई से अगर जो चीज़ लूँगा ना वो सही रहेगी। ये देखो ये मैंने अपनी खुद की कमाई से तो नहीं ली है, पापा ने मेरे को गिफ्ट ही कर रखी है ये समझो। सो ये भी मेरे लिए बहुत प्यारी है। एंड जो मैं अपने बाइक लूँगा नेक्स्ट, देखो मैं बताऊँगा तो नहीं बट जब भी लूँगा वो कुछ लूँगा यार, कुछ ख़तरनाक लूँगा। एंड यार मुझे उससे जो प्यार होगा ना वो इससे भी ज़्यादा होगा, ऐसा तो नहीं है मैं इसको कभी सेल नहीं करूँगा। देखो मेरी कितनी भी बुरी नौमत आ जाए बट मैं इसको सेल करने वाले उसमें नहीं आऊँगा, बिकॉज मैंने बहुत से बंदे देखे हैं जो अपनी फर्स्ट बाइक भी सेल करते थे खाली थोड़े से पैसों के लिए कि हाँ EMI पे निकाल लेंगे और कोई सेकंड बाइक। बट यार मेरा मानना तो यही है कि भाई अपनी फर्स्ट बाइक कभी सेल मत करो। बाकी यार चलो चलते हैं यार, जैसा भी होता है। ओह हर्षिता मिल गई थी, लेट्स गो। ये आर्मर है। हेलो कैसी है? सभी हर्षिता मिल गई थी एंड सौम्या भी थी उसके साथ, मतलब साथ की थी ना मतलब स्कूल में, तो तभी यार जब मैं रुक जा रहा हूँ ना बाइक से कसम से यार इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना लिटरली क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। एंड पता चैनल का पीछे नाम लिखाने का ये होता है ना भाई, ऐसे ना हम हाईलाइट हो जाते हैं जल्दी, तो पीछे लोग नाम देखते हैं ना थोड़ा बहुत प्रमोशन तो हो ही जाता है ऐसा समझ लो, हल्की बहुत ब्रांडिंग हो जाती है, बाकी तो सब ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, ट्रैफिक लाइट खुलती है तब जाते हैं आराम से भाई। कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा लिटरली।
लेट्स गो। देखो ट्रैफिक, जो ट्रैफिक लाइट्स है ना उनको भी फॉलो कराई करो। भाई अब ना पता है, मैं सारे रूल्स ना, जब से मेरा क्रैश हो रखा है तब से मैं सारे रूल्स से लेकर सारे गियर सब पहन रहा हूँ। भाई ऐसा है ना, एक बार जब इंसान को थोड़ा लग जाती है ना तो भाई बंदा सुधरता है, और तब भी जाके नहीं सुधर रहे तो तुम कोई फायदा नहीं है भाई, कोई नहीं। सो या गाइस अभी निकलते हैं यार घर के लिए। भी चीज़ देखो, अगर कुछ भी काम कर रहे हो ना, अगर उसको प्रोफेशनली नहीं करोगे ना तो तुमको कोई भी नहीं पूछेगा। मान लो अगर मैं ऐसे ही घूम रहा होता खाली एक सस्ता सा हेलमेट डाल के, सस्ता सा कैमरा डाल के, तो भाई देखो कोई भी नहीं देखेगा। आज की डेट में देखो, अगर पहले था, पहले स्ट्रगलिंग पीरियड था कि हाँ तुम वैसे में ग्रो कर सकते थे अगर तुम्हारे पास कंटेंट है, बट अभी तुम्हारे पास कंटेंट हो के भी ना तुम नहीं कर सकते वैसे में ग्रो। अगर तुम्हारे पास ना, देखो ऐसा ना, आजकल बंदे ना बिना अच्छी बाइक, अगर तुम्हारे पास अच्छी बाइक नहीं है तो भाई बंदे नहीं देखेंगे। चलो कोई चक्कर नहीं यार, चलते हैं यार जल्दी जल्दी, बाकी हमको और किसी की परवाह नहीं। एंड यार बहुत टाइम से यार जिम ही नहीं जा रखा मैं, बीच बीच में कभी एक दो दिन चले जा रहा था, मैं सोचा था अब कंटिन्यू करूँगा अब कंटिन्यू, बट यार व्लॉग्स बनाने के चक्कर में जिम ही नहीं जा पा रहा। चलो कोई नहीं यार। एंड अभी का जो वेदर है ना, इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा है ना शाम के समय, तो भाई एकदम इतना सही वेदर है ना शाम के समय भाई। मैं शाम को ना, अगर शाम से लेकर रात तक एंड सुबह जितना हो सके ना, अगर मेरे को कितनी भी लंबी राइड में भेज दो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है ना मैं कवर ही कर लूँगा। बाकी तो सारी चीज़ सही है, थोड़ा आगे तक घूम के आता है यार, थोड़ा आगे। एंड धीरे धीरे मैं इनमें ज़्यादा थोड़ी मतलब हल्की बहुत और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाइक की, और ज़्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट हो। भाई ये बंदे भी ना बाइक देख के और तेज तेज भागने लगेंगे, ये नहीं कि बाइक आ रही है रुक जाएं। क्या चीज़ कहीं यार, कोई चक्कर नहीं। चलो भाई एक बार चलते हैं, अगर मेरी एक फ्रेंड भी यहीं पर रहती है ना तो अगर देखते हैं, अगर वो दिल्ली से वापस आ गई होगी तो मिल लेंगे उससे भी, कोई चक्कर नहीं। गाइस इससे बात करते करते मुझे रात हो गई, ये दिखेगी नहीं इससे मिल नहीं रखा था, क्रैश बस क्रैश में आ रखी थी मिलने, तो उसके बाद मैं सोचा मिलने आ ही जाता हूँ। चलो बाय बाय, मिलते हैं, अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना, मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, जा ही रहा हूँ मैं। सोएगा अभी चलते हैं यार, बहुत अंधेरा हो चुका है। भाई कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया यार, मतलब इससे बात भी नहीं कर रखी थी बहुत टाइम से, तो मैं सोचा एक बार आ ही जाता हूँ। एंड ये भी कहती फिर मिलने नहीं आया, क्रैश में मिलने आ रखी थी ना, तो मैं सोचा यार थोड़ा टाइम है ही तो चल देता हूँ। एंड अभी घर से भी कॉल आ रहे थे कहाँ पर है करके, तो मम्मी को बता दिया था मैंने। लेट्स गो यार, आराम से निकलते हैं। एंड रात में जो राइड करने की फील है यार, क्या बताऊँ मैं, कितना ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा है यार। कोई पीछे से लाइट पड़ेगी ना कसम से यार, क्या ही लगूंगा मैं। लोगों की ब्रांडिंग करते हुए जाते हैं भाई, लोग कह रहे होंगे भाई कोई जा रहा है यार बंदा, मतलब सारे राइडिंग गियर्स के साथ। भाई कितना अच्छा फील आता है यार, खुद को भी प्रोफेशनल लगता है। बाकी चलो सब सही है, जल्दी जल्दी निकल जाता है, डालनी पड़ेगी यार मुझे ये वाले बूट्स में, मतलब वही हो रहा है मेरे को थोड़ा बहुत, मतलब कि गियर शिफ्टिंग में हल्की सी प्रॉब्लम आ रही थी डाउन शिफ्ट में, बिकॉज इतने स्मूथ हो जा रहे हैं ना, मेरे को पता भी नहीं चल रहा गियर डल जा रहा है, मैं एक ही साथ दो दो गियर नीचे कर दे रहा हूँ। चलो कोई चक्कर नहीं, बाद में चलते हैं यार जल्दी जल्दी। एंड यार इसका टायर भी घिस चुका है, मेरे को सिद्धू भी बता रहा था कि यार इसको टाइम से चेंज कर लेना। बाकी अभी तो हम लोकल में है, तो लोकल में हमें ज़्यादा नीड नहीं, यहाँ से अलग एक जगह में जाने वाले हैं, तो उधर जब जाएंगे हम जाने से पहले चेंज करा लेंगे लॉन्ग राइड में। बाकी लेट्स गो यार, जल्दी जल्दी निकलते हैं घर के लिए। नाइट राइड इज ऑसम मैन, कुछ भी कहो नाइट राइड सबसे बेस्ट है। अपन को अंदर को मुड़ना है एंड इंडिकेटर दे दें, एंड जल्दी जल्दी चलते हैं घर में। भाई आज मैं गाली खाऊंगा पक्का, बाकी चलते हैं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी घर चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट, जय श्री राम बा।
ਲਾਉਣੇ ਨੂੰ।